एक प्लास्टिक की खाली बोतल से आप बहुत ही सुंदर एक नथकी बना सकते हैं। इसके लिए प्लास्टिक की खाली बोतल, एक कटर, गोंद, एक लंबी डंडी और एक स्ट्रॉ चाहिए। पहले कटर लेकर के बोतल को दो बराबर के हिस्सों में काटें। अब आप देखेंगे ये निचला हिस्सा उठाएं और उसमें करीब 16 पंखुड़ियां काटें। ये सारी पंखुड़ियां एक दूसरे के समानांतर होंगी और ये बाहर की तरफ को इस तरह से खुल पाएंगी। तो ये रही 16 पंखुड़ियां। उसके बाद में एक सुई की नोक को गर्म करें और निचले हिस्से के पेंदे में के बीचों बीच एक छेद करें। इस छेद के अंदर एक बिल्कुल सख्त बांस की गोल डंडी प्रेस फिट कर दें। ये देखिए, उसके बाद इन पंखुड़ियों को लेकर के थोड़ा सा मरोड़ दें और जिससे पंखे के ब्लेड जैसे बन जाए। अब ये रहा हिस्सा जिसमें ढक्कन है। इसके ढक्कन के अंदर कैंची से एक छोटा सा छेद करें और उसमें एक स्टिफ, एक सख्त स्ट्रॉ को डाल दें, प्रेस फिट कर दें। एक थोड़ा सा गोंद लगा दें जिससे कि स्ट्रॉ हिले डुले नहीं। अब ये दोनों हिस्से तैयार हैं। अब सीक को स्ट्रॉ के अंदर डालें और आपका खिलौना लगभग तैयार है। इसमें नीचे एक आधार है और ऊपर एक घूमने वाला पंखा है। अब अगर आप इसे एक सीलिंग फैन के नीचे रखेंगे तो ऊपर वाला पंखा तेजी से फर फर करता हुआ गोल गोल घूमेगा और नीचे वाली बोतल भी धीरे धीरे थर थराते हुए थोड़ा थोड़ा सा डगमगाएगी। उसके बाद में आप रंगीन टेप लेकर के इसको मनपसंद तरीके से सजाएं। अगर आप इसे एक सीलिंग फैन के नीचे पकड़ेंगे तो ऊपर वाला पंखा तेजी से गोल गोल घूमेगा। ये बहुत ही सुंदर खिलौना है। अमेरिका में हर हफ्ते लोग आधा बिलियन प्लास्टिक की बोतलें फेंकते हैं, तो इन बोतलों का एक यही अच्छा उपयोग है। आप देखिए कितना सुंदर घूम रहा है ये पंखा रंग बिरंगा। और अगर इसको एक किसी टेबल पर रखेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे वाली बोतल भी धीरे धीरे करके थिरकती है, गोल गोल करके घूमती है। आप चाहें तो सीख है उस पर एक नृत्यकी का चित्र भी बना करके चिपका सकते हैं और फिर क्या, एक नाचने डोलने वाली नृत्यकी भी बन जाएगी।